उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 पीड़ित अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन आज हो रहा है। ऐसे में कारगिल चौक पर लाठी चार्ज की भी खबर है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। और बड़ी खबर उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 पीड़ित अभ्यर्थियों से संबंधित है। लाठी चार्ज की खबर है पीड़ित अभ्यर्थियों पर। अभ्यर्थी अभी गर्दनी बाग पर धरने पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम अब धरना स्थल से नहीं उठेंगे। ये बड़ी खबर हम शिक्षा सुधार रोजगार के माध्यम से आपको दे रहे हैं। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 पीड़ित अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी हुआ है। आइए आपको हम वीडियो से रूबरू कराते हैं। हर बार रैली धरना प्रदर्शन होता है, नीतीश बाबू के तरफ से आश्वासन मिलता है, हम लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद नीतीश बाबू टास्क से अपना मजा लेते हैं और हम लोगों को पाला फुसला करके वोट के जब समय आता है तो घर घर पहुंच करके बाबू जी कह करके वोट ले लेते हैं और फिर आकर के मौत करते रहते हैं। आज हम लोगों ने ठहरे हैं कि जब तक हम लोग रिजल्ट जारी नहीं होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग आत्मदाह करेंगे और जब तक हमारी लड़ रही होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आप लोग साइड हरिए जिंदाबाद, लड़ते रहेंगे। इतिहास में कहेंगे आप लोगों ने देखा है रिजल्ट देने के बाद हमारे रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, आज देने के बाद हमारे रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया गया है और ये पहली बार हमारे नीतीश बाबू के सरकार में हुआ है। और ये हम लोग लड़ाई 7 वर्षों से लड़ रहे हैं, ये सड़क के धूल चाट रहे हैं, हर बार रैली धरना प्रदर्शन होता है, नीतीश बाबू के तरफ से आश्वासन मिलता है, हम लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद नीतीश बाबू ठास से अपना मजा लेते हैं और हम लोगों को पाला फुसला करके वोट के जब समय आता है तो घर घर पहुंच करके बाबू जी का ये देखिए, यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर पुलिस लोग तैनात हो गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। हमारी तरह यहाँ पे लोग है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए 6 सालों से इनकी मांग है लेकिन बिहार सरकार इसको पूरा नहीं कर रही है। इन्हें रिजल्ट देकर फेल कर दिया गया है। ये भीड़ है चारों तरफ से, उम्मीद है कि साफ मिलेगा। ये भीड़ है उर्दू टी टी उम्मीदवारों की। आप देखिए, ये देखिए, इसको देखिए तो इसको मार करके फोड़ दिया गया। ये देखिए क्या ये गलत है, एक विद्यार्थी के ऊपर हजारों हजारों की संख्या में पुलिस आक्रमण के साथ में लाठी चला रही है। ये क्या है, क्या हम आतंकवाद है, क्या हम बदमाश है? आज मैं खुल करके मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को हत्या करने के लिए तैयार हूँ और मैं शांत हूँ। सुन लीजिए, मैं आज अपने मन से मैं मरने को मैं तैयार, क्यों? इसलिए कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। प्लीज हम आपसे हाथ रिक्वेस्ट करते हैं कि 6 सालों से लगातार मार खा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास में जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जा रहे हैं। भैया आपने फेल किया, ठीक है आपका रिजल्ट दिया जाएगा। क्या है भाई इस तरीके से आजकल आप कर रहे हैं, क्या बात है, क्या घूस लेना चाहते हैं लालकेश्वर की तरह? या तो आप हमसे घूस मांग रहे हैं या फिर घूस देने के लिए आप हमको बोल रहे हैं, क्योंकि चुप्पी का साधना भी ये देखिए सर, बिहार बोर्ड का रिजल्ट है। सर एक मिनट, बाइक बाद में लीजिएगा प्लीज, मेहरबानी करिए। एक बात देख लीजिए, ये बिहार बोर्ड का सीधा रिजल्ट है। अगर धरती शिक्षक पकड़ाते हैं तो क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सहारा, प्रभात, सारे पेपरों में खबर छपती है अर्जी शिक्षक। तो ये तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी कारगिल चौक पर
थे और उन्होंने व्यापक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बीच में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की भी खबर है और कई अभ्यर्थियों के घायल होने की भी खबर है। उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थी अभी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थियों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, रात का समय है और अभी अभी कुछ क्षण पहले की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। उर्दू बांग्ला टीटी प्रमुख हसन रजा अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे हैं और अभ्यर्थी धरना स्थल पर इकट्ठा होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है प्रतिनिधिमंडल की, और प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इससे पहले उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का ये बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हक और इंसाफ नहीं मिलता। अब हम आपको धरना स्थल से सद्दाम हुसैन की आवाज़ सुनवाएंगे, जो उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों के मुजफ्फरपुर इकाई के जिलाध्यक्ष हैं। आइए आपको धरना स्थल पर लिए चलते हैं और क्या हो रहा है इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए सद्दाम हुसैन की आवाज़ आपके लिए। सद्दाम जी, आज उर्दू बांग्ला टीटी के तरफ से जो बड़ा आंदोलन हुआ और आप धरना पर हैं, इस संबंध में हमें जानकारी दें, आज क्या क्या हुआ? देखिए, आज सुबह 11 बजे हम लोग पटना साइंस कॉलेज से कारगिल चौक तक पैदल मार्च हजारों की संख्या में किए और शांतिपूर्वक किए, और उसमें पुलिस के द्वारा हम लोग पे लाठीचार्ज भी किया गया और फिर वहां से हम लोग को आश्वासन मिला, मिलने के लिए बुलाया गया और फिर वहां से हम लोग अभी गर्दनी बाग में धरने स्थल पे बैठे हुए। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन पर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ है, कितने बजे हुआ और कैसे? धरना प्रदर्शन पे लाठी चार्ज नहीं हुई, रैली हम लोग कर रहे थे, रैली हम लोग का काफिला आगे बढ़ रहा था, उसको रोक दिया गया, फिर भी हम लोगों ने शांतिपूर्ण आगे बढ़ा, उसी दौरान लाठी चार्ज हुआ। ये लाठी चार्ज हुआ कहाँ पे? ये कारगिल चौक पे। अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं? थोड़ी बहुत चोट आई है उम्मीदवारों को। आपकी वार्ता उच्च अधिकारियों से हुई अभी तक? जी, शिक्षा विभाग में हमारे प्रतिनिधि गए थे, प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजाम सदी जी, उनको आश्वासन मिला कि आपके रिजल्ट के ऊपर 10 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। ऐसे अभी जब आप धरना पर बैठे हैं तो सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा मिलने आया आपसे? नहीं, अभी इतनी ठंडी में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों से कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आए हैं। सद्दाम जी, आप धरना पर कब तक बैठेंगे? और ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है जी, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है, सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी और अपना भी रही है। हमारे मसले को लेकर HRD मंत्रालय ने, उन्होंने 5% कम करने के लिए भेजा भी है लेटर जी, और उसका उम्मीद जताया जा रहा है कि बहुत जल्द जवाब आएगा और हम लोगों के रिजल्ट के ऊपर कार्रवाई हो। सद्दाम जी, हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया। देखिए यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस लोग तैनात हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, हमारी जिम्मेदार यहाँ पे लोग हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए 6 सालों से इनकी मांग है, लेकिन बिहार सरकार इसको पूरा नहीं कर रही है, इन्हें रिजल्ट देकर फेल कर दिया गया है। ये भीड़ है चारों तरफ से, उम्मीद है कि साफ मिलेगा। ये भीड़ है देखिए, ये देखिए, इसको देखिए तो, इसको मार कर फोड़ दिया गया, ये देखिए, क्या ये गलत है? एक विद्यार्थी के ऊपर आज आ जाओ की संख्या में पुलिस आक्रमण के साथ में लाठी चला रही, ये क्या है? क्या हम आतंकवाद है? क्या हम बदमाश है? आज मैं खुल करके मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को हत्या करने के लिए तैयार हूँ। सुन लीजिए, मैं आज अपने मन से मैं मरने को मैं तैयार, क्यों? इसलिए कि मैं, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। प्लीज, हम आपसे हाथ रिक्वेस्ट करते हैं कि 6 सालों से लगातार
मार खा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास में जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जा रहे हैं। भैया आपने फेल किया, ठीक है आपका रिजल्ट दिया जाएगा। काहे भाई इस तरीके से आजकल आप कर रहे हैं, क्या बात है? क्या घूस लेना चाहते हैं लालकेश्वर की तरह? बोलो क्या लगता है, या तो आप हमसे घूस मांग रहे हैं या फिर घूस देने के लिए आप हमको बोल रहे हैं? क्योंकि चुप्पी का साधना भी। इस मुद्दे पर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा सुधार रोजगार के पास जैसे ही कुछ ताज़ा अपडेट उपलब्ध होगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।